हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? 7th। आज क्या सीखने वाली हैं आप? स्लोपिंग पे कैसे गाड़ी को स्टॉप, स्लोपिंग पे कार को कैसे कंट्रोल करें, है ना? अप हील पे कार को कैसे पीछे जाने से हम रोकें, कौन सा गियर रखें, क्या हमें एक्सेलेटर लेने की जरूरत पड़ेगी स्लोपिंग पे, या फिर हम हैंड ब्रेक से ही कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। किसी बेसमेंट की पार्किंग से अगर कार को आप निकाल रही हैं चढ़ाई पे, या फिर किसी चढ़ाई वाले फ्लाईओवर पे जाम लग गया, वहाँ से कार निकाल रही हैं, तो दो तीन चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप रेडी हैं? गुड। तो अभी यहाँ पे देखिए, गाड़ी थोड़ा सा डाउन हील है, दिख रहा है? अब इसको आप फर्स्ट गियर में करिए, आगे से यू टर्न मारना है, अभी फुल क्लच देन फर्स्ट गियर। गुड। अभी ब्रेक को फ्री रखना, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो, ठीक है? चालू, बस इससे ज्यादा क्लच आपको नहीं रिलीज करना है, क्योंकि आगे अभी 10 मीटर जाने के बाद डाउन हील आ रही, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक भागने लगेगी, ठीक है? अभी हाँ, और लेफ्ट ही रखो, राइट नहीं, क्योंकि हमें यू टर्न मारना है आगे से। लेफ्ट आओ, हाँ, और लेफ्ट आओ, जाने दो। अपना जितना लेफ्ट रखोगी ना, उतना राइट में स्पेस ज्यादा मेंटेन कर पाओगी। और लेफ्ट आओ, थोड़ा और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, नहीं लेफ्ट ला ही नहीं पा रही हूँ, देखो कितना स्पेस है, हाँ जाने दो, और जाने दो थोड़ा आगे, और जाओ। अब सीधी करो स्टेयरिंग, हाँ लेफ्ट ही रखो। अभी ना यहाँ से अब इसको ऑफ कर दिया मैंने, अब राइट का सिग्नल दो। अब पूरी स्टेयरिंग 90 डिग्री से राइट घुमा लो, चलते चलते। देखो खड़ी गाड़ी घुमाओगे तो बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे पहले गाड़ी खिसकाओ, जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ, चलो चलो चलो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, हाँ जाने तो, फुल टर्न करो, फुल 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 फुल, अब वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे हल्की स्लोपिंग थी तो खड़ी गाड़ी पे नहीं हो पाता। अब लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ, जल्दी 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 लेफ्ट आओ, सटा के रोकना है उधर, हाँ और लेफ्ट आओ थोड़ा सा, और लेफ्ट आओ अभी, हाँ अभी जाने दो जाने दो। अब सीधी करो स्टीयरिंग, हल्का राइट दबाओ, और राइट दबाओ थोड़ा, और अब यहाँ पे स्टॉप करो गाड़ी, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप, हो गई हो गई, झटके से नहीं, ठीक है? अभी देखो जो गाड़ी आपकी है वो एकदम लेफ्ट में सटी हुई है। अब अगर पीछे से कोई ट्रक भी आएगा तो भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कितना ही ट्रैफिक लग जाए, जाम लग जाए, तो भी हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी एकदम सटा दी है। अक्सर यहाँ पे सुबह लोग शाम को गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। तो अभी आप कहाँ पे हैं, किस पॉइंट पे हैं? अभी आप स्लोपिंग पे हैं, है ना? स्लोपिंग पे है आपकी जो गाड़ी है वो, चढ़ाई, अगले दोनों टायर आपके चढ़ाई पे हैं और पिछले टायर डाउन में है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे गाड़ी हम रोक देते हैं तो हमारी गाड़ी अक्सर पीछे जाने लगती है। न्यू विगनर जो होते हैं, न्यू ड्राइवर जो होते हैं, नए नए सीखे होते हैं, उनके साथ ही दिक्कत आती है। तो अभी सपोज आप पूरा क्लच दबाई, ब्रेक दबाई, ठीक है? अभी यहाँ से मैं हजार्ड स्विच ऑन कर देता हूँ ताकि इससे लोगों को ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये गाड़ी रुकी हुई है। अभी आप क्लच दबाई, ब्रेक दबाई। अब नॉर्मल जैसे सपोज करो, जैसे नॉर्मल रोड पे हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक छोड़ते हैं फिर क्लच छोड़ते हैं। तो अभी पहले ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ दिया, तो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी? पीछे। अभी ब्रेक लगा लो। अब इतने में तो आपकी गाड़ी पीछे टकरा चुकी होती है ना। 90% लोगों के साथ जो दिक्कतें आती मैं वो बता रहा हूँ। रेड लाइट पे या किसी भी ट्रैफिक में अगर आप पहले ब्रेक छोड़ते हो तो गाड़ी पीछे जाने लगती है, और इतने में आपके पीछे जो भी व्हीकल होता, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, उसमें गाड़ी आपकी टकरा चुकी होती। तो पीछे से वो हॉर्न पे हॉर्न देने लगता जब कंटिन्यूस, तो जो न्यू बंदा होता है, नया नया सीखा होता है, वो पैनिक हो जाता है, तो उसको क्लच और ब्रेक का मैचिंग नहीं कर पाता है। 2-3 बार गाड़ी उससे बंद होती है, फिर वो एक्सेलेटर ज्यादा दबा देता है, ठीक है? अभी क्या करना है, पैनिक नहीं होना। सबसे पहले तो कभी भी कोई भी चीज हो तो वहां घबराना नहीं है। ड्राइविंग करते वक्त बहुत कूल की जरूरत है। जब भी कभी ऐसा आपको फील हो कि गाड़ी आपकी पीछे जा रही, देन ब्रेक लगा लिया, और क्लच तो आपने ऑलरेडी दबाई रखा था, वहां पे गियर फर्स्ट होना चाहिए। एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी न्यू लोग होते हैं वो गाड़ी रोक तो देते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि हमें गियर कौन सा करना है। सबसे पहली चीज, जब भी कभी स्लोपिंग वाले एरिया पे कार को हम, स्लोपिंग हो या कुछ भी, फर्स्ट टाइम अगर कार को आप उठा रहे हो तो गियर करना फर्स्ट कंपलसरी है। वहां पे ये चेक करना जरूरी है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सेकंड गियर में रोका, सेकंड में ही बढ़ाने लगते तो गाड़ी वहां बंद हो जाएगी, क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड ही 20 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट गियर पावर के लिए होता है। तो हमें पहले गियर चेक कर लेना कि हमारी कार में फर्स्ट गियर है, उसके बाद हमको ब्रेक को रिलीज नहीं करना है, हमें धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है। अभी आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, बहुत ही लाइटली, बहुत धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो। जैसे ही आपकी कार का इंजन वाइब्रेट करने लगे,
अब ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी आगे जा रही है, फिर पूरा क्लच दबा लो, ब्रेक लगा लो, फुल ब्रेक, एक इंच भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए, फुल ब्रेक लगाया, ठीक है, अभी फिर थोड़ा सा क्लच को रिलीज करो, जैसे गाड़ी गियर में एक्टिव होगी फिर ब्रेक छोड़ देना, पीछे जा रही है गाड़ी। मैंने अभी क्या बोला आपको और क्या कर रही हो? मैंने बोला ब्रेक दबा के रखो, क्लच को थोड़ा सा रिलीज करना, आपने फिर ब्रेक छोड़ा, गाड़ी फिर, एक इंच भी गाड़ी आपके पीछे नहीं जानी चाहिए, अब छोड़ो ब्रेक, फिर पूरा क्लच दबाओ फटाफट, अब ब्रेक लगाओ, हाँ अब ब्रेक छोड़ो, गाड़ी को थोड़ा पीछे जाने दो, ब्रेक छोड़ दो, नज़र कहाँ है? गाड़ी जब पीछे जा रही तो नज़र आपकी लेफ्ट और राइट वाले ORBM में रहनी चाहिए, ताकि पीछे आपके कोई व्हीकल आके खड़ा हो गया हो तो कम से कम आप ये चीज़ देख सकें। बस स्टॉप कर लो, हो गया। अब सेम चीज, ये गलती नहीं करना है, जब भी गाड़ी रोको स्लोपिंग वाले एरिया पे ब्रेक पूरा दबा के रखना है, ब्रेक नहीं दबाओगी गाड़ी पीछे जाएगी, और एक बार पीछे जाने लगी तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाता है। फिर सेम चीज, अभी फिर वही धीरे धीरे क्लच रिलीज करना है, बहुत धीरे धीरे, हाँ बस अब ब्रेक को रिलीज करो, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर पूरा क्लच देन ब्रेक, फटाफट ब्रेक, 1% भी गाड़ी आगे पीछे टसमस नहीं होनी चाहिए। फिर सेम चीज, फिर धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, जैसे इंजन वाइब्रेट करे फिर ब्रेक छोड़ देना, फिर ब्रेक छोड़ो, फिर पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, फिर सेम चीज, ब्रेक छोड़ो, अब चलो जाने दो धीरे धीरे, ठीक है। अभी कई बार क्या होता ना, दो ये लास्ट वाला दो बार जो आपने क्लच रिलीज किया, आपने ज्यादा क्लच रिलीज कर दिया था, कार बंद होते होते, कार का इंजन बंद होते होते बुझते बुझते बच गया, जरूरत से ज्यादा अगर आप क्लच छोड़ोगी तो कार का इंजन बुझ जाएगा, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अभी यहां से ना हमें यूटर्न मारना है, क्या मारना है, यूटर्न, ओके। और अपनी गाड़ी जितना लेफ्ट दबा के रखोगे उतना सुरक्षित रहोगी, क्योंकि यूटर्न करते वक्त हमें अपना राइट में स्पेस मेंटेन करना है, लेफ्ट सटा के टर्न करना है, ठीक है। अभी जहां पे ये बच्चे आ रहे हैं दो मोटू पतलू, वहीं पे साइड में लगा के चलते चलते मारना है, अब दे दो राइट का सिग्नल नीचे को, और गाड़ी अपनी लेफ्ट सटाओ ना, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगी, जितना राइट जाओगी उतनी ज्यादा, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, और चलो अब 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो फटाफट, जल्दी से, इसको जल्दी कहेंगे, ओहो इसको जल्दी कहेंगे तो स्लो किसको कहेंगे भाई। अब सीधी करो स्टीयरिंग, वेरी गुड, हो गई सीधी, चलो अभी सीधी रखना गाड़ी, अपना लेफ्ट आओ, राइट रखो हल्का, हल्का लेफ्ट आओ, राइट रखो थोड़ा, फिर अभी करना वही सेम चीज, लेफ्ट ही रखो गाड़ी, हाँ अब राइट का सिग्नल दो, हाँ और अपने राइट वाले, राइट का सिग्नल, अपने राइट वाले ORBM को चेक करो, अभी लेफ्ट ही रखना, पीछे वैन आ रही है, जब मैं बोलूंगा तब 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा देना, घुमा दो पूरी फुल फुल, गुड वेरी गुड। जब भी कभी यूटर्न करना हो तो अपना पहले लेफ्ट पूरा सटा लो, अब सीधी कर लो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब क्या बात है, ऐसे स्टीयरिंग घूमनी चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो अभी जैसे कि यहां पे फिर प्रॉपर गाड़ी को स्टॉप करना है, तो पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप करना है 1 सेकंड में, गुड। बट आपने जब अभी कार स्टॉप करी, ना आपने राइट वाला ORBM चेक किया, ना आपने लेफ्ट वाला ORBM चेक किया, ना आपने लुकिंग ग्लास चेक किया, तीनों में से कहीं पे भी आपकी नजर नहीं गई। अच्छा ये बताओ शिवानी, यहाँ पे कोई रोकने का स्टॉपेज था? नहीं, नहीं था, तो पीछे वाला लाके आपकी गाड़ी में भिड़ा देगा, है ना, क्योंकि वो आपकी गाड़ी से भी आगे देख रहा है। जो ट्रेंड लोग होते हैं वो जिस गाड़ी को फॉलो कर रहे उससे भी 200 मीटर दूर तक उनकी नजर रहती है ना, कि अगला ब्रेक लगा रहा तो उससे पहले हम अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लें, ये चीज हमेशा नोटिस करिएगा, है ना। आपके पास दो ईश्वर ने आंखें दे रखी है ऑलरेडी, 3 आंखें कार में लगी हुई है, एक राइट वाला ORBM, एक लेफ्ट वाला, एक लुकिंग ग्लास, तो टोटल कितनी हो गई, 5। काफी समझदार हैं आप, 5 आंखें हो गई ना,
तो पांचों आंखों का यूज करना है, है ना। चलो अभी आपको ब्रेक रिलीज करना है, फिर क्लच रिलीज करना है, फिर गाड़ी को बढ़ाना है, क्योंकि फ्रंट में देखो हमें दूर तक दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। लेकिन हमें बैक साइड में बहुत कम दिखता है, ठीक है। चलो अभी ब्रेक छोड़ो और धीरे से क्लच छोड़ो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।